जय माता दी। मैं हूँ एस्ट्रोलॉजर चारू मंडल, प्रैक्टिसिंग एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी, टैरो कार्ड्स एंड वास्तु। हम एक वीडियोस का सीरीज कर रहे हैं जहाँ मैं आपको आपके डेट ऑफ बर्थ से आपके सक्सेस का डायरेक्शन बता रही हूँ। सक्सेस के डायरेक्शन के चुनाव के लिए आपको कोई कैलकुलेशन की ज़रूरत नहीं है, आपको कुछ एडिशन, कुछ सब्सट्रैक्शन, किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। फर्स्ट से लेकर 31st तक आपका बर्थ डे जिस भी डेट पर है, आप उससे अपने सक्सेस के डायरेक्शन का चुनाव ईजिली कर सकते हैं। हमने 1 से लेकर 5 तक कंप्लीट कर लिया था और आज टर्न है नंबर 6 की। तो अगर आपका बर्थडे 6th, 15th या 24th ऑफ एनी मंथ आता है तो यू रूल्ड बाय द प्लैनेट वीनस। जी हाँ, शुक्र है। नंबर 6 पीपल की लाइफ में लग्जरीज की कोई कमी नहीं होती। नंबर 6 पीपल के अगर बारे में हम बात करें तो इनका सौंदर्य के प्रति बहुत ही ज़्यादा झुकाव, बहुत ज़्यादा रुचि होती है। दे लाइक ब्यूटी, दे लाइक क्लिनलीनेस, दे लाइक डिसिप्लिन। अगर हम नंबर 6 पीपल के एक बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट की बात करें, एक बहुत ही इंटरेस्टिंग ट्रेट की बात करें, तो नंबर 6 पीपल जिसको भी दवाई देते हैं उसको वो दवाई लग जाती है। अगर आपकी फैमिली में कोई भी बीमार है और नंबर 6 पीपल उसका ध्यान रख रहे हैं, उनको दवाई दे रहे हैं, दे टेकिंग केयर ऑफ द पेशेंट, तो वो बहुत जल्दी ठीक होंगे। नंबर 6 पीपल के पास एक यूनिक हीलिंग पावर होती है। नंबर 6 पीपल के बारे में अगर मैं आपको और इंटरेस्टिंग कुछ बताऊं, तो ये लग्जरीज में बहुत ज़्यादा बिलीव करते हैं। दे स्पेंड लिफ्ट एक्स्ट्रावेगेंट लाइफ स्टाइल इज वॉट दे प्रेफर। नंबर 6 पीपल का सक्सेस डायरेक्शन है साउथ ईस्ट। और अगर हम इसके नेगेटिव ट्रेड की बात करें नंबर 6 पीपल के, तो नंबर 6 पीपल बहुत ही ज़्यादा भौतिक जीवन में, बहुत ही ज़्यादा लग्जरीज में गुम होकर अपने जीवन का उद्देश्य खो देते हैं। नंबर 6 पीपल के बारे में अगर एक और बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ मैं आपको बताऊं, तो नंबर 6 पीपल आर एक्सीलेंट पेरेंटिंग स्किल्स, बहुत ही ज़्यादा फैमिली ओरिएंटेड होते हैं, अपने बच्चों को बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हैं, बट नेगेटिव में बहुत ही ज़्यादा ओवर पोजेसिव हो जाते हैं, बहुत ही ज़्यादा ओवर इन्वॉल्व हो जाते हैं, थस क्रिएटिंग अ प्रॉब्लम विद देयर चिल्ड्रन। नंबर 6 पीपल का सक्सेस डायरेक्शन है साउथ ईस्ट। और नंबर 6 पीपल को और कुछ समझ नहीं आ रहा, तो साउथ ईस्ट इज द डायरेक्शन फॉर देम। अगर आप ऐसे ही इंटरेस्टिंग चीज़ें जानना चाहते हैं तो मेरे साथ जुड़े रहिए। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करिए। कमेंट बॉक्स में अपने सजेशन, अपने एडवाइसेस, अपने क्वेश्चंस पुट इन करिए। आई विल बी हैप्पीली आंसरिंग देम। थैंक यू सो मच। जय माता दी।